Hello children, how are you? I hope you are well at your home. Myself, Mrs. Lalita Parmar from NCMS Chhavwa. Today we discuss about the lesson number 4th, Food and Health. Its lesson contains the component of food, balanced diet and diseases. Today we discuss about the 3 points in this lessons. Okay? First one is the component of food. Means जो हम फूड लेते हैं उसमें हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या होना चाहिए. जैसे हम फूड कैन करते हैं तो उसमें हम बहुत जो हमारी फेवरेट होती है जनरली हम वही खाते हैं. छोटे बच्चे तो वही खाते हैं, दूसरी चीज़ों को तो यूज़ भी मतलब नहीं लेते. पेरेंट्स बोलते हैं कि ये ले लो बेटा, ये खा लो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस चीज़ को मना, क्योंकि हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती है ना. लेकिन हमें सभी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए. ओके, फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन एडिक्यूट अमाउंट टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. एडिक्यूट, एडिक्यूट मीन्स क्या होता है, बराबर मात्रा में जितने हमारे बॉडी को जो जो चीज़ जैसे प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह जितनी भी चीज़ें चाहिए वो एक निश्चित एक अमाउंट होता है, उस अमाउंट में हमें लेना चाहिए पर डे. ओके, उसे एडिक्यूट कहते हैं. ठीक है, द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होना चाहिए? फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रॉ फिश. दिस आर 7 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड. होना ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी. ओके, टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस कंटेंट्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो हमने अभी देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें होने चाहिए उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ओके, फर्स्ट वन इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में. दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज इन आवर डेली डाइट. ओके, हमारी डेली डाइट में से ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स ज़्यादा अमाउंट में लेना आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. वैसे ही हमारा क्या है, नेक्स्ट वन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स थोड़ा अमाउंट में लेकिन लेना जरूरी है. दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज, थोड़ी क्वांटिटीज में इन अवर डेली डाइट. फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है हमारा विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, ये न्यूट्रिएंट्स में इसको डिवाइड कर, जो रफेज है वो नी में आ जाता है और नेक्स्ट वन इज वाटर, तो हमारे लिए नीड है ही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज हमारा है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है, जैसे ग्रैंस है ना, ब्रेड है, हमारे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ना, पोटैटो है, हनी है, इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल जाता है और डेली लाइफ में हम लोग डेली जो डाइट होती है उसमें इनको इंक्लूड करना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में. ओके, इसके एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, राइप फ्रूट्स, ब्रेड, हनी, सुगर एंड पोटैटो आर सम फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट. इनमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है. नेक्स्ट वन इज द फैट्स. ओके, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. जो फैट्स है वो भी क्या करता है, हमारी एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट के बाद में. ओके, सबसे पहले किससे हमें इजी वे में मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से. फैट से थोड़ा सा उसकी प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होती है इसलिए थोड़ा स्लो होता है इसमें मिलता है. ठीक है, इसका एग्जांपल है बटर, ऑयल, घी एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स. ओके, ये सारे क्या हैं, इसमें आपके फैट होता है जिससे हमें फैट्स मिल जाता है. नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें बहुत ज़्यादा है ज़रूरत पड़ती है ना. कार्बोहाइड्रेट जैसे एनर्जी गिविंग है वैसे ही हमारा प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी बिल्डिंग है. मतलब हमारी बॉडी जो रिकवर होती है, जो ग्रोथ होती है वो किससे हमारी बॉडी में होती है, प्रोटीन्स से. प्रोटीन्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज. जैसे हमें कट जाता है, कट लग जाता है तो वो वापस रिपेयर कैसे हो जाता है, प्रोटीन के थ्रू. दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स. ठीक है, हमारे मसल्स को बिल्ड करने में भी यूज़ करते हैं. इसके एग्जांपल देखिए, ग्राउंड नट, बीन्स, पल्सेस, फिश, एग, मिल्क, चीज़ एंड कर्ड आर सम फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन्स. ये सारे जो फूड आइटम्स हैं इनमें प्रोटीन्स हमें इजीली मिल जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द विटामिन्स. ओके, विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स. विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने देखा ना अभी, क्या है ये, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना.
टू कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट डिसीजेस। क्या कहता है, विटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करता है डिसीज से, है ना, बीमार होने से। अगर हमने प्रोटीन विटामिन्स प्रोटीन्स बराबर लिया तो हम क्या नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट एंड फ्रूट्स आर सम फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स। मैक्सिमम टाइम आप जहाँ तक हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप इनको लीजिए। इसमें आपको प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स, भरपूर न्यूट्रिएंट्स रहता है ना, तो हमें मिल जाएगा विटामिन्स भी उसमें। नेक्स्ट वन इज़ द मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प इन द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ओके, याद रखिएगा इसे, ये क्या करता है, फिजिकल एंड मेंटल हमें डेवलपमेंट के लिए ऑफ द बॉडी एंड कीप अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ओके, इससे क्या मिलता है, जो मिनरल्स होते हैं उसमें टीथ भी हमारा क्या होते हैं, हेल्दी है, बोन्स भी हेल्दी होते हैं। कैसे, क्योंकि मिनरल्स में ही क्या होता है, कैल्शियम होता है। इसलिए इसके एग्जाम्पल है मिल्क, चीज़, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सम फूड आइटम्स रिच इन मिनरल्स। लुक हियर, ये जितने में मैक्सिमम टाइम, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि आप बहुत सारे बच्चे हैं, क्या कहते हैं, बहुत चूजी होते हैं, वेजिटेबल्स ढंग से लेते ही नहीं हैं, लेकिन आप सारी वेजिटेबल्स को क्या करें, ईट करिए, है ना, मामा जो भी बना कर दें करें, आप उसे खाइए। नेक्स्ट वन इज़ अ रफेज। रफेज और डाइट्री फाइबर्स इज द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड। ठीक है, जो प्लांट फूड हम जो प्लांट से जो वेजिटेबल्स वगैरह हमें मिलती है उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा रफेज, और वो डाइट्री फाइबर्स भी होता है, फाइबर्स वो हेल्प करता है हमें ना। इट एड्स ब्लड टू आवर डाइट। ठीक है, इट हेल्प इन इजी पासेज ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअली ये क्या करता है, जो फाइबर्स होते हैं हमारे, ये इजी वे में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को गो ऑन करता है, आगे प्रोसीड करता रहता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं आपके सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस, लुक दिस वन इज अनपॉलिश्ड राइस, है ना, हम लोग जो खाते हैं हमारे घर में जो राइस यूज करते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं एक्चुअली। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सम रिच सोर्स ऑफ रफेज। ओके, हमने अभी तक जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखा, दोनों में ही हमारे क्या, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंक्लूड हैं। नेक्स्ट वन इज अ वाटर। पता है हमें बहुत अच्छे से कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है, जितने भी सिस्टम है, मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस डेली टू स्टे हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, 3 to 8 ग्लास वाटर डेली पीना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट, अब हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद है, कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम उन्हें बिल्कुल छूते भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उन्हें बराबर अमाउंट में डेली लेना चाहिए। अब बैलेंस्ड डाइट के बारे में हम जान लेते हैं, अ डाइट दैट हैज़ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड इन एडिक्यूट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। मीन्स उस डाइट में हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चे हैं बच्चों की नीड क्या है, फिर बड़े हैं बड़े की, बुजुर्ग हैं उनके अकॉर्डिंग जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे बैलेंस डाइट में हमारा फूड रिक्वायर्ड होता है ना, वो होना चाहिए। अ बैलेंस डाइट इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए फंक्शंस जो हैं, बॉडी के फंक्शंस हैं, जैसे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अच्छे से वर्क कर सकें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट वन इज द बैलेंस डाइट ना, ये पिरामिड है एक्चुअली, हमें क्या चीज कितने अमाउंट में कितना खाना चाहिए। फर्स्ट वन इज द ईट मोस्ट, दिस वन इज द ग्रेन्स एंड सीरियल्स, मीन्स कार्बोहाइड्रेट, जितना हो उतना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए। नेक्स्ट वन ईट मोर, दिस वन इज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल में ऑल थिंग्स आ जाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है ना, दिस आर अ, और यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, विटामिन्स वगैरह मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन है ईट मॉडरेटली, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, ड्राई बीन्स एंड डायट्री प्रोडक्ट्स, है ना, इनसे हमें क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स, इन दोनों से मैक्सिमम प्रोटीन्स हमको मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ लेस, ईट लेस, मतलब कम से कम हो सके, क्योंकि इसमें क्या होता है, फैट होता है, जैसे फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड स्वीट्स, ये हमें मिनिमम करना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। इन एडिशन टू अ बैलेंस्ड डाइट, आवर बॉडी नीड्स रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्यूट रेस्ट एंड स्लीप टू स्टे हेल्थी एंड एक्टिव। ठीक है, बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए और बिल्कुल बराबर सोना भी चाहिए ना, स्लीपिंग भी चाहिए, रेस्ट बराबर होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी क्या कर पाएगी, अच्छे से ग्रो अप कर पाएगी।
एक्सरसाइज कीप्स अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं और बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. रेस्ट एंड स्लीप कीप अस रिलैक्स एंड रिफ्रेश्ड. ओके, जब हम रेस्ट करते हैं तो उससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है और हमें नए वर्क को करने में ईजी हो जाता है, ईजी वे हम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसीज है ना. इसमें क्या है, अगर हम बैलेंस डाइट को अगर नहीं लेते हैं डेली में तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, उसमें ही डिसीज आती हैं. अब डिसीजेस क्या होती है, टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ द कम्युनिकेबल डिसीजेस, सेकंड वन इज़ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. फर्स्ट हम पढ़ते हैं, रीड करेंगे, कम्युनिकेबल डिसीजेस और डिसीज दैट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. ठीक है, ओके, मतलब क्या, एक कोई हेल्दी पर्सन अगर उसके पास पे कोई डिसीज से है ना, अगर उसके थ्रू अगर वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है डिसीज, तो वो कैसी होती है, कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब एक से दूसरे में पहुंच जाने वाली डिसीज. ठीक है, सच डिसीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया वायरस फंगी एंड प्रोटोजोवा. ठीक है, अब ये जो डिसीज होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, वो है ना या तो बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फंगी होगी या फिर प्रोटोजोवा. ठीक है, माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीज आर कॉल्ड जर्म्स. ओके, जिन माइक्रोब्स के थ्रू ये डिसीजेस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम जर्म्स बोलते हैं. सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो जर्म्स नहीं कहलाते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज, अब उसके बाद अगर डिसीज होती हैं तो उसके लिए क्या बेटर है, प्रिवेंशन. ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है, अगर हम पहले ही सतर्क हो जाए उस चीज के लिए तो हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. जैसे फॉर अभी एग्जाम नाउअडेज चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर हम सेफ रहेंगे, हम घर पर रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे तो हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे. सेम वही चीज़ हम यहाँ पर बोले, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट अ डिसीज दैट टू ट्रीट इट. ठीक है, अगर हम उसका प्रिवेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि बीमार होने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट लें उससे. ठीक है, मेंटेनिंग गुड हाइजीन मीन्स कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्निचिंग, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. ओके, हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली हाइजीन यूज करना चाहिए, हाइजीनिंग रहना चाहिए, मतलब साफ सुथरा रहना चाहिए. कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन डिसीजेस. अगर हम हमारे आसपास का सराउंडिंग एरियाज वगैरह हैं जहाँ हम रहते हैं, हमारे रूम वगैरह हमें क्लीन रखेंगे तो हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे किसी भी अदर डिसीज से, कोई भी जर्म्स हमें इन्फेक्टेड नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज़ द वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन आप लोगों को पता होगा, जब आप बहुत छोटे थे, मामा पापा से पूछिएगा, जब आप बहुत छोटे थे, जब आपका बॉर्न हुए होंगे उसके बाद से आपको वैक्सीन, एक वैक्सीन कार्ड मिलता है आपको, जैसे फर्स्ट लगाएं, फिर सिक्स मंथ में, नाइन्थ मंथ में, फिर फाइव ईयर में, फिर टेन ईयर में वैक्सीनेशन होता रहता है ना. ये क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है वो देखते हैं. वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस. मतलब डिसीजेस होने से पहले ही हम उसका प्रिवेंशन कर लेते हैं, उससे बचाव कर लेते हैं. मैनी कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन गिवन एट राइट टाइम. ओके, है ना, वैक्सीनेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए. अगर वैक्सीनेशन आपने उस समय नहीं लिया, आपने बाद में, नहीं हो सकता पॉसिबल. जैसे सिक्स मंथ में जो वैक्सीन लगेगा वो सिक्स मंथ में ही लगेगा, अगर आप नाइन्थ टेंथ मंथ में लगवाने चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा. ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन बाय नॉट अलाउिंग द जर्म्स टू मल्टीपल इन केस दे इंटर द बॉडी. एक्चुअली क्या करता है वैक्सीनेशन में, जब वैक्सीन हमारी बॉडी में इंटर हो जाती है तो जब जर्म्स हमारी बॉडी में इंटर होता है तो वो मल्टीपल मतलब ग्रोथ नहीं कर पाता है, कौन जर्म्स. ठीक है, उसकी अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती है, जब जर्म्स ग्रोथ करता है तो एंटीबॉडी क्या करती है, उससे हटा देती, उसे खत्म कर देती, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देती हमारी बॉडी में, तो हम उससे क्या होते हैं, बीमार नहीं होते हैं. नेक्स्ट वन इज अ सम कम्युनिकेबल डिसीजेस. अब हम देखेंगे कौन कौन सी डिसीज होती हैं, क्यों, किससे होती हैं, उसके प्रिवेंशन क्या होता है. ओके, फर्स्ट वन इज अ फ्लू. फ्लू जनरली होता है कॉज्ड बाय वायरस. हम लोग अब डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर बोलता है वायरल फीवर है और कुछ नहीं, इट इज़ अ फ्लू. सिम्टम्स क्या होते हैं, शॉर्ट थॉरेट, रनिंग नोज, फीवर, हेडेक, कफ एंड बॉडी एक. ठीक है, क्योर, अब इससे कैसे बचे, हम क्या कर सकते हैं, टेक मेडिसिन, प्लेंटी ऑफ रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स,
कफ ड्रॉप्स एंड सॉल्ट एंड वाटर गार्गलिंग. जैसे हम लोगों ना सर्दी जुकाम हो जाता है, उससे फ्लू हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो हम मम्मी गर्म कुनकुना पानी में नमक डाल के देती है, गार्गलिंग करो, गरारे कर लो, उससे आपका क्या हो जाएगा, थोरैक्स आपका क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज द मिजल्स. मिजल्स में क्या है, कॉज्ड बाय वायरस. किससे होता है, वायरस से. सिम्टम्स क्या है इसके, रनिंग नोज, फीवर, कफ, रेडनेस इन द आइस, रैशेस, वेट लॉस, ये इसके सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट वन इसके क्योर क्या है, वैक्सीनेशन एट एन अर्ली एज. वैक्सीनेशन अर्ली एज में हो जाना चाहिए और प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड बैड रेस्ट. आप जहाँ तक हो बीमार, जब आप बीमार हो तो डॉक्टर बोलते हैं आप रेस्ट करिए. रेस्ट करने से क्या होता है, हमारी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है. नेक्स्ट वन इज द चिकन पॉक्स. किसके थ्रू, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से होता है. सिम्टम्स, फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, रैशेस दैट स्लोली ड्राई अप एंड देन फ्रॉम स्कार्स. ठीक है, क्योर, वैक्सीनेशन एट एन अर्ली एज, मेडिसिन, कूल बाथ एंड बेड रेस्ट. द रैशेस शुड नॉट बी स्कार्स एज दे मे स्प्रेड टू अदर प्लेसेस ऑन द बॉडी. आप लोगों को पता है चिकन पॉक्स में क्या होता है, चिकन फीवर आता है हमें और छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं हमारी बॉडी पर. ठीक है, अब जब वो जब ख़त्म होती है, जब सूखती हैं, तो हमें क्या स्क्रैचिंग होती है, मतलब खुजली चलती है हल्के से. हमें उसे खुजालना नहीं चाहिए, अगर खुजालेंगे तो दूसरी जगह हमारी बॉडी पर फैलती जाती है ना. हमें बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज द कॉलेरा, कॉज बाय बैक्टीरिया. सिम्टम्स क्या है, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड डायरिया. क्योर क्या है, ड्रिंक लॉट ऑफ फ्रूट्स, टेक मेडिसिन. मतलब इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप फ्लूड लीजिए, फ्लूड मीन्स लिक्विड चीज़ें लीजिए, जिससे क्या आप जल्दी से रिकवर हो जाए. नेक्स्ट वन इज द टाइफाइड, कॉज बाय बैक्टीरिया. सिम्टम्स क्या है, हेड एक, बॉडी एक, फीवर एंड डायरिया. क्योर, टेक मेडिसिन एंड ड्रिप बॉइल्ड वाटर, फूड विदाउट ऑयल एंड स्पाइसेस एंड बैड रेस्ट. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, फूड जो है आपका है वो कैसा होना चाहिए, विदाउट ऑयल एंड स्पाइसेस, मतलब मसालों वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फीका होना चाहिए, और इसमें भी बैड रेस्ट ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द मलेरिया. आप लोगों को पता है मलेरिया तो किससे होता है, कॉज्ड बाय प्रोटोजोवा, है ना. उस प्रोटोजोवा से होता है जो कि मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है, जब वो बाइट करता है तो प्रोटोजोवा हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है और वो हमें क्या करता है, कॉज्ड करता है मलेरिया. सिम्टम्स, फीवर, चिल्स, स्वीट, हेडेक्स, वॉमिटिंग्स एंड बॉडी एक. इसके क्योर क्या है, मेडिसिन टू बी टेकन ऑन टाइम्स, ड्रिप, यूज मॉस्किटो नेट्स एंड अप्लाई द मॉस्किटो क्रीम्स ऑल्सो, अवॉइड स्टोरिंग वाटर इन ओपन कंटेनर्स. ठीक है, अगर ओपन कंटेनर में अगर वाटर रहा आपके यहाँ स्टोर करा हुआ, तो मॉस्किटोस में क्या करेंगे, फीडिंग करने लग जाएंगे. ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएंगे, इसलिए इसको अवॉइड करना है. नेक्स्ट वन इज़ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. अ डिसीज दैट कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. दोनों में डिफरेंस क्या है, कम्युनिकेबल में क्या होता है, वन पर्सन से सेकेंड पर्सन में हो जाता है. जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो हेल्दी पर्सन के पास रहता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. अगर कोई इन्फेक्टेड कोई पर्सन है, अगर उसके पास में कोई नॉर्मल पर्सन जाता है तो उसे नहीं होता है. ठीक है, सर, डिसीजेस आर मोस्टली कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एडिक्यूट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम्स. एक्चुअली क्या होता है, ये किसी जर्म्स के थ्रू नहीं होता है, ये हम हमारे जो डाइट है उसमें अगर कोई चीज़ को हम रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, हम उसे यूज़ ही नहीं करते, तो उसकी क्या हो जाती है, हमारे बॉडी में डिफिशियंसी में कमी हो जाती है, उसके थ्रू ये वाली डिसीज होती है. कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. सम कॉमन डिफिशियंसी सिंड्रोम्स और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, फर्स्ट वन इज एनीमिया. एनीमिया किससे होता है, आयरन की डिफिशियंसी से, आयरन की कमी से होता है. इसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस, फैटिग्यू, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, है ना, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लग जाए. फूड सोर्स ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, अगर ये नहीं, ये ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या एप्रिकॉट है, मिल्क, मीट, एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर आप इन्हें लेते हैं अपनी डेली डाइट में, तो ये कैसे, इससे आप ठीक हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ नाइट ब्लाइंडनेस. ये क्या होता है, विटामिन ए डिफिशेंसी है ना, विटामिन ए की कमी से होता है. सिम्टम्स, इनएबिलिटी टू सी इन पुअर लाइट और एट नाइट. एक्चुअली क्या होता है, जब कम लाइट होता है उसमें दिखाई नहीं देता, रात के समय हमें दिखाई नहीं देगा,
ठीक है, फूड सोर्सेज ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स। अब क्या है इसमें, कैरोट, स्वीट पोटैटो, एनिमल लीवर, रेड कैप्सिकम एंड लेटस, ठीक है, इन्हें हमें हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द बेरी बेरी, ये होता है विटामिन B1 की डिफिशेंसी से। सिम्टम्स, वेट लॉस, वीकनेस, लो हार्ट बीट, टायर्डनेस, अफेक्ट ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मसल फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि अभी आपकी बॉडी ढंग से ग्रो अप नहीं कर पाएगी। फूड सोर्स ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स, अब क्या क्या यूज़ करना चाहिए हमें, बीन्स, सीरियल्स, पीस, फिश, नट्स एंड वाटरमेलन, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो डाइट है उसमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ है स्कर्वी, ये होता है विटामिन सी की डिफिशेंसी से। सिम्टम्स, इरीटेशन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स एंड ब्लीडिंग गम्स। फूड सोर्स ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ग्वावा, पपाया, सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटोस, ग्रेप्स, बेरी। सिट्रस फ्रूट्स मीन्स क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स मीन्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका लेमन है, ऑरेंज है आपका, है ना, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं सिट्रस फ्रूट में। नेक्स्ट वन इज़ अ रिकेट्स, ये किससे होता है, विटामिन डी की डिफिशेंसी से। सिम्टम्स, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, विटामिन डी हमें किससे मिलता है, कुछ चीज़ें तो हमारी बॉडी बना लेती हैं, विटामिन डी बना लेते हैं, एक्चुअली क्या धूप में रहना पड़ता है, हम जो मॉर्निंग की जो धूप हल्की हल्की होती है ना वो हमारी बॉडी पर जाती है और हमारी बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। फूड सोर्स ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स, कॉड लीवर ऑयल, फिश, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, मशरूम एंड स्पैनच, ठीक है, इन्हें हमारी जो बैलेंस डाइट है उसमें यूज़ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ गोइटर, आयोडीन डिफिशियंसी, है ना, किससे होता है, या आयोडीन की वजह से हो जाता है। सिम्टम्स, डेफनेस, टायर्डनेस, वेट गेन एंड स्वेलिंग इन द नेक, नेक में एक्चुअली आप लोगों ने बहुत सारों को देखा होगा जिनको गोइटर होता है, नेक में ऐसे बड़ा हो जाता है, नेक उनका फूल जाता है, उसे गोइटर कहते हैं, है ना। फूड सोर्स ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, मिल्क, बॉइल्ड एग्स, स्ट्रॉबेरीज, योगर्ट, बैक पोटेटोस, ओके। नेक्स्ट वन इज अ कवाश्कर, जो डिसीज होती है वो किससे होती है, प्रोटीन डिफिशियंसी, है ना, प्रोटीन की कमी से होती है। सिम्टम्स क्या है, ब्लोटेड बैली, स्लो ग्रोथ, वीकनेस, वीक डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, है ना, इसमें क्या होता है कि ब्लोटेड बैली मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट जो बैली होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर स्लो ग्रोथ होती है, उनके हाइट वगैरह बढ़ती नहीं, वीकनेस हो जाते हैं और वीक डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स मीन्स पैर, जो उनके लिम्स हाथ और पैर का क्या होता है, डेवलपमेंट कम हो जाता है। फूड सोर्स ऑफ दैट न्यूट्रिएंट क्या है, फिश, एग, मीट, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, अगर हमें इन चीज़ों को हम हमारी डेली डाइट में यूज़ करते हैं तो हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हम उनसे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंशन रख सकते हैं ना, लेकिन हमारी जो डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, लेट वी डिस्कस द इट्स एक्सरसाइज, लेसन नंबर 4, फूड एंड हेल्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इज विटामिन्स, फैट, डाइट्री फाइबर्स, मिनरल्स, इट्स आंसर इज अ फैट, अभी हमने पढ़ा क्या है, मैक्रो, मैक्रो में ज़्यादा अमाउंट में क्या लेंगे हम, इसे फैट लेंगे। सेकेंड वन इज अवर बोन्स एंड टीथ विल बी वेल डेवलप्ड वैन वी ईट फूड रिच इन, क्या होना चाहिए बोन्स, और इसके लिए मैं आपको बताया अभी कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम किसमें कौन प्रोवाइड करवाएगा, फैट, शुगर, मिनरल्स, ऑल ऑफ दिस, तो क्या आएगा इसमें, मिनरल्स, क्योंकि कैल्शियम है, फॉस्फोरस, वो कौन प्रोवाइड करता है, मिनरल्स हमारा, इसलिए। थर्ड वन इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, कौन सी है कम्युनिकेबल डिसीज, फर्स्ट वन इज टाइफाइड, मलेरिया, कॉलरा, तो ऑल ऑफ दिस, ये जो तीनों हैं ये सारी हमारी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेज है। फोर्थ है विटामिन बी डिफिशियंसी कॉज्ड वेट लॉस, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, ब्लाइंडनेस, वेट गेन, एक्चुअली इसका आंसर है वेट लॉस, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स एंड टोमेटो शुड बी ईटन टू अवॉइड, किस चीज़ को अवॉइड करेंगे वो, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी और गोइटर, आंसर इज द स्कर्वी।
सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स. ओके, फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन आवर डेली डाइट्स आर कॉल्ड स्मॉल क्वांटिटी. स्मॉल क्वांटिटी में क्या आंसर आएगा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सेकंड वन इज आर रिक्वायर्ड फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. फिजिकल एंड मेंटल, इट्स आंसर इज द मिनरल्स. मिनरल्स जरूरी होता है ना हमारे बॉडी के लिए. वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट ग्लासेस ऑफ वाटर डेली 1, 3 or 8 to 10. इस आंसर इज 8 to 10. हमें इतना वाटर डेली लेना चाहिए. क्वेश्चन फोर्थ नंबर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी अवॉइड बाय फॉलोइंग अ गुड, क्या लेना चाहिए हमें, अ डाइट और हाइजीन. इस आंसर इज अ डाइट. अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को हम क्या कर देंगे, अवॉइड. फिफ्थ नंबर, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन आर द सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा और चिकन पॉक्स. इट्स आंसर इज द कॉलेरा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द फॉलोइंग, आयोडीन डिफिशियंसी कॉज बाय गॉइटर है ना. सेकेंड है विटामिन सी डिफिशियंसी स्कर्वी, विटामिन बी वन डिफिशियंसी बेरी बेरी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. फिफ्थ है हमारा विटामिन डी डिफिशियंसी रिकेट्स. ये जो डिफिशियंसी के कारण क्या होती है, डिसीजेस होती हैं. नेक्स्ट वन इज द राइट ट्रू एंड फॉल्स, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ अवर बॉडी. इट इज अ ट्रू, बिल्ड करता है हमारी बॉडी को. वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस. इट इज अ ट्रू, क्योंकि वैक्सीनेशन किसके लिए प्रोवाइड करा जाता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस के. वायरस एंड फंगी कॉज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नो इट इज अ फॉल्स, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डाइट के थ्रू होता है ना. अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो होता है. फोर्थ नंबर, वी कैन हैव अ बैलेंस्ड डाइट व्हेन वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड इन एडिक्यूट अमाउंट. इट इज अ ट्रू, बैलेंस डाइट क्या होता है, वैरायटी, हम फूड की वैरायटी लेकिन एडिक्यूट अमाउंट में दें. तो प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स एंड बेड रेस्ट कैन डिक्रीज द सिम्टम्स ऑफ मिजल्स टू सम एक्सटेंट. इट इज अ ट्रू, क्यों, क्योंकि जो प्लेंटी अगर फूड मिल्स वगैरह आप ले रहे हैं है ना और रेस्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, डिक्रीज हमारी हो जाएगी. क्या डिक्रीज हो जाएगा, हमारी डिसीजेस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गिव टू एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हमने देखे, उसमें एग्जांपल हमने नोट किया, राइस एंड व्हीट. सेकंड वन इज द सोर्स ऑफ फैट्स, बटर एंड ऑयल. थर्ड वन इज द सोर्स ऑफ विटामिन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सोर्स ऑफ मिनरल्स क्या है आपका, मिल्क एंड चीज. फिफ्थ नंबर, सोर्स ऑफ रफेज, रफेज के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, ठीक है, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड अवर. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वी मीट लेसन नंबर फिफ्थ डिस्कस्ड है ना. ओके, और इस चैप्टर के जो PDF आपको प्रोवाइड करी जाएगी तो आप उससे प्लीज़ अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिए और लर्न करिएगा, और दो बार कम से कम वीडियो देखिएगा, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से लेसन समझ में आ जाएगा, सारी थ्योरी वगैरह सब अच्छे से समझ में आ जाएगी. ओके, ठीक है, थैंक यू.